जय श्रीमन्नारायण मित्रों मित्रों, महर्षि पाराशर बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 19वें अध्याय में सप्तम भाव फलाध्याय लिखते हैं। और इस सप्तम भाव फलाध्याय में महर्षि पाराशर ने कुल मिलाकर 42 श्लोक लिखा है। इन 42 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने पत्नी से संबंधित, विवाह से संबंधित तथा व्यापार एवं पार्टनरशिप, साथ ही आपके डेली वेजेज में होने वाली घटनाओं के विषय में भी बहुत विस्तृत डिस्कशन लिखा हुआ है। तो आज के पहले हमने इन 42 श्लोकों में से 36 श्लोकों की चर्चा कर ली है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब पर जाइए और वहां जा करके उन सारे शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोज को देखिए और आनंद लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम 37वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पाराशर 37वें श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि कुटुंब स्थान गो राहु कलत्रे भौम समझुते पाणी ग्रहे चित्रिदीने सर्प दंष्टे बधु मृति है। तो मित्रों, महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे घर में राहु बैठा हो तथा सातवें घर में मंगल बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की पत्नी विवाह के 3 दिनों के अंदर ही या तो जहर खा के मर जाती है या फिर सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा उसको मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के दुर्योग अगर आपकी कुंडली में हो तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कीजिए और इसका निवारण करवाइए। और अगर कोई ना मिले तो आप हमारे YouTube पर आइए और वहां आकर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बर्थ डिटेल के साथ में अपना प्रश्न लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल निःशुल्क और सटीक उत्तर YouTube पर ही दे देंगे। और अगर आप अपनी कुंडली विस्तृत रूप से डिस्कस करना चाहते हो तो फोन कीजिए, आप कहीं भी बैठे हो आप वहां से सलाह ले सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, ठीक है। जय श्रीमन्नारायण।